हेलो बच्चों, तो वापस से आ गए हैं आपके बीच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग लगभग हम लोगों ने देख लिया था, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी देख लिया था, और जो दो तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं वो भी देख लिया था। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट, यानी कि चैप्टर का सेकेंड हिस्सा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, उसको देखेंगे। नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा दर्द। तो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 6A, मतलब चैप्टर 6 में ये है, और ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। डील करते हैं। आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद हम लोग धीरे 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 लेवल अप करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुगेटिव इंटीजर इज 56। किताब खोल के रखिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम क्वेश्चंस को बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं। आप किताब खोलो और देखो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला नंबर। अगर पहला 6 है तो दूसरा कितना होगा? 7। अगर पहला 8 है तो दूसरा कितना होगा? 9। अगर पहला 11 है तो दूसरा कितना होगा? 12। एक प्लस हो रहा है सब में, आप देखते हो। अगर पहला x है तो दूसरा कितना होगा? x+1। गुड। उसी तरीके से अगर हम माने यहाँ पे कि अगर पहला नंबर आपके पास, ध्यान दो, अगर फर्स्ट नंबर हम मानते हैं आपके पास कितना है x, तो आपको पता है सेकेंड कंजुगेटिव नंबर, सेकेंड कंजुगेटिव नंबर जो होगा वो कितना होगा? x+1। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट, इट मींस दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो कितना दिया हुआ है? वो आपका दिया गया 56। यानी कि x मल्टीप्लाई x+1, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया आपको 56। अब इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x2। गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू कितना? 56। ठीक है, x2+x, इसको इधर ले लें, ये आएगा -56=0। अब आपको पता है ये चीज हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे। ये देखिए एक बार फिर दिखा देते हैं, x2+x -56=0। तरीका ये था हमारे पास में कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। आप देख सकते हो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा -56x2। इसको तोड़ेंगे तो 2 28, 2 14, 2 7 और 7 1 जा। ठीक है, अब इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 7। आप देख सकते हो 8x में अगर 7x माइनस करें तो कितना बचेगा? x बचेगा। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, x2+8x -7x -56=0। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब आपका बेसिक सा काम, इन दोनों में कॉमन ले लो x, यहाँ पे क्या होगा? x+8, और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे क्या होगा? x+8। कैसे? ये माइनस से माइनस, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। कॉमन लेना, हमने बताया हुआ है कि कॉमन लेने का सिंपल सा मतलब होता है इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन आ गया, यानी कि x+8, यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है x माइनस, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आपका, क्या बचा? ये बचा, हम बचे, कोरोना वायरस से पूरा देश बचेगा। अब पहले केस में x+8=0, तो आपके पास होगा x=-8। दूसरे केस में x-7=0, तो आपके पास होगा x=7। मतलब एक ये इंटीजर की बात की गई थी, तो इन दोनों नंबर को आप वहां पे पुट करके देख लेना। मतलब जब पहला नंबर x=-8, तो दूसरा नंबर x+1, यानी कि ये रख के देख लेना, और सेकंड केस इसका बनेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग डाल लेना, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर आपका स्टेटमेंट के साथ में होगा, जिस पे आपको बोर्ड्स में नंबर मिलेगा। चलिए इसी का दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, दूसरा क्वेश्चन में आपको बोला गया, बुक खोल के रखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 41। मतलब दो एक के बाद एक आने वाला नंबर, उसका स्क्वायर का सम, अगर पहला x है
तो उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, x प्लस वन, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 41। मतलब पहला नंबर हम आपको बता दिए हैं, देखो फर्स्ट नंबर कितना x, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा या सेकंड नंबर जो होगा आप इसको नेक्स्ट नंबर बोलो या जो भी बोलना है, ये कितना होगा x प्लस वन, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का सम बोला गया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कितना दिया गया, ये आपको बताया गया 41, इट्स अ 41। नाउ सॉल्व इट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पे एक्स था, बी की जगह पे वन, इक्वल टू कितना 41। अगेन एक्स स्क्वायर आपको पता है 2x स्क्वायर, बेसिक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इधर कर दें तो 41 इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -40 इक्वल टू 0, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, सबसे आसान हो जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, ये 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो हम बता दे रहे कैसे होगा, हालांकि आगे का काम आपका हो जाएगा, ये बेसिक सा चीज है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये था x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। हाँ, ये सारे क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, वो डी वाला याद होगा फॉर्मूला, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, ये कैसे टूटेगा, ये 5 और 4 में टूटेगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन x होगा, तो ये x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ बचेगा क्या x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम, इसको एक बार 0 के बराबर रखना है, इसको एक बार 0 के बराबर रखना, आपके पास दो आंसर होगा, लेकिन नेचुरल नंबर की बात की गई थी तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाला रख लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, देखिए यहां पे क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टू नेचुरल नंबर विच डिफर बाय 5। डिफर बाय 5 का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से 5 का बड़ा या छोटा होगा। देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहां पे समझिए पहले, डिफर बाय 5, इस 5 का क्या मतलब होगा, डिफर बाय 5, या तो आप 5 हमसे ज्यादा हो या तो हम आपसे 5 क्या है ज्यादा है, ऐसे समझो। अच्छा, या आप हमसे 5 ज्यादा हो तो हम आपसे 5 क्या हो गए, कम हो गए, अगर हम आपसे 5 ज्यादा है तो आप हमसे क्या हो गए, 5 कम हो गए, इसी को बोलते हैं डिफरेंस, अगर आप बड़े तो हम छोटे और हम बड़े तो आप छोटे, ठीक है। ये सर कैसे बोल दिए, हम कैसे छोटे हो गए, कोई बात नहीं, डिफर बाय 5 सेम। चलो अगर हम फर्स्ट नंबर एक्स रिगार्ड करते हैं, मानते हैं, तो यहाँ पे सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड इसको छोटा रखना बड़ा रखना जो रखना रख लो, डिफर में यही है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा नंबर हम क्या रख लेते हैं, रख लेते हैं ये इससे 5 क्या था बड़ा, ये इससे 5 क्या है बड़ा, यानी कि x प्लस 5। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97। अगेन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 97। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना 97। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 97, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 टू जा 10x, इसको इधर ले लेते हैं -97 इक्वल टू 0। चलिए 2x स्क्वायर इसको इस तरफ रखते हैं, ये आपका हो गया 10x, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये होगा -97 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 7 में 5 गया 2, यस इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, आई मीन यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे का काम करते हैं, ध्यान दो, इसको ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 72 इक्वल टू 0, हम दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 5x माइनस यहाँ पे बचेगा 36 इक्वल टू 0, ये इधर चला गया 0 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर चला गया, ये 0 हो गया, आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे का काम आपको पता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको 904 में टूटेगा, x स्क्वायर प्लस 9x
माइनस फोर एक्स माइनस 36 इक्वल टू जीरो। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x, यहाँ बचा x, यहाँ 9, इन दोनों में कॉमन क्या मिला 4, माइनस से माइनस खत्म, बचा x प्लस में, माइनस से माइनस खत्म, बचा प्लस में, यानी कि 9 इक्वल टू जीरो। अगेन आगे का काम, अब इन दोनों में कॉमन आपको ये मिल गया, यानी कि x प्लस 9 यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब पहली बार इसको जीरो के बराबर, फिर इसको जीरो के बराबर आंसर मिल जाएगा। इतना तेज बता के निकल गया सर, समझ में नहीं आया। समझ में आया होगा बच्चों, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है ये प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर बताते हैं, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगले नंबर में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में सीक्वेंस हम बता रहे हैं, फिर स्किप भी करेंगे, मतलब वैसा क्वेश्चन जो बहुत आसान होगा उसको हम छोड़ देंगे। देखो 4 नंबर में क्या बोला गया, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। कोई नंबर, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। कोई नंबर हम मानते हैं, कोई नंबर x है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया, ये दिया गया 4.25। हम मानते हैं कोई नंबर, ये फर्स्ट नंबर ये हो गया, और इसका ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गया, इन दोनों का सम यहाँ पे ये बोला गया था। ठीक है बच्चों, आसान करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बदले 1, दो नंबर, दो जीरो, ठीक है, कैंसिल होगा, होगा 5 से कितनी बार में, 20 बार में, ये 5 से कितनी बार, 5 बैठ जाओ, 5 बैठ जाओ, अगेन 5 से 4 बार में, 5 से ये 17 बार में, मतलब 17/4, मतलब आपका इक्वेशन हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 17/4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे, x ये कैंसिल करेगा x बार में, x x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, 1 बार में 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आपका आ गया 17/4। अगला काम क्या होगा, क्रॉस कर लो, यानी कि 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, 17x है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इस तरफ ले लो, माइनस 17x इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या निकलेगा, इक्वेशन आपके पास क्या निकलेगा बच्चों, देखो इक्वेशन आपके पास क्या निकलेगा, इक्वेशन आपके पास में ये निकल रहा है 4x स्क्वायर, इसको इधर कर लेना, माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0, टूट गया, हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, आप इसको इजीली तोड़ दोगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, आगे आप सॉल्व कर लेना। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, फॉर्मूला से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी, आपको जो प्रोसेस लगाना है आप लगा लेना, आपका काम है सीखना, और मेरा काम है, मेरा तो बहुत सारा काम है। चलिए अगला बात बताते हैं, आगे बताते हैं, सेम फाइव नंबर में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया, टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3। अगेन दो नेचुरल नंबर है जिसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, मतलब ये अगर आपका पहला नंबर क्या होगा x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस 3 का, प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी, तो हम प्लस कर लिए, ठीक है, डिफरेंस 3 का, ये बड़ा था, ये छोटा था, ये 3 छोटा था। आगे क्या बोला गया, फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10। रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल आपका 1/x होगा, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x+3, ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ के क्वेश्चन बोला गया था 7/10, मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 1/x+3, दोनों को जोड़ के कितना, 7/10। प्लेन है, मतलब प्लेन क्वेश्चन है, मतलब एरोप्लेन क्वेश्चन है, उड़ा दो गर्दा, इन दोनों में एलसीएम करने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x, ये x प्लस 3, x से x मर गया, इसको ऊपर x प्लस 3 प्लस इससे ये मर गया, इसको इससे ऊपर, ये आ गया 7/10। अगेन x x 2x प्लस 3 बाय x से x को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 3x, ये 7/10, आप क्रॉस कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे क्रॉस मतलब होता ही, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आपका आ गया 2x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 3x। इक्वेशन हम निकाल देते हैं, आप निकाल सकते हो अपने से, 2 मिनट पॉज करके बना लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21x, सबको उधर भेजो, इधर जीरो हो गया, तो ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 20
वन एक्स, ये इधर चला जाएगा माइनस में 20x, ये इधर चला जाएगा माइनस में 30, ये इधर जीरो, 7x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस 30। देखो बच्चों अब यहाँ पे इक्वेशन आपके पास बना, 7 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 210। अब 210 कैसे आता है, 210 कैसे आएगा, 210 कैसे आएगा, कैसे टूटेगा ये 210 आना चाहिए यहाँ पे, 7 3 21 यानी कि माइनस 210, 210 कैसे आएगा, किसमें तोड़े किसमें तोड़े किसमें तोड़े 210 आएगा, चलो तोड़ के चेक करते हैं। 210 2 1 0 5, ये 5 से 5 हो जा 5 बन जा, 3 से 7, 7 से 1, 210 कैसे आएगा, 5 3 15 7 2 14, यानी कि 15 और 14 में 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15x माइनस 30। अब तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेके आगे आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला से बनाना, इसके पहले वाले चैप्टर्स में मैंने बताया था, अगर कुछ क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट के नहीं टूटेंगे या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देंगे इसके लास्ट में, एक वीडियो में वो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला गया डिवाइड 15 इनटू टू पार्ट्स, 15 को दो पार्ट में बांटना है। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, ये 15 है इसको दो हिस्सा करना है। अब हमको ये चीज बता दो, अगर आपके पास 5 था पहला हिस्सा में तो दूसरे हिस्से में कितना होगा, 10। कैसे निकालें, पहला 5 था दूसरा निकालने के लिए इसमें 5 क्या किए माइनस कर लिए, अगर पहला 6 है तो दूसरा कितना होगा, इसमें 6 माइनस कर लेंगे कितना होगा 9, यानी कि यहाँ 9 आ गया। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, इसमें x माइनस कर लेंगे, ठीक है, यही ना, x जब माइनस करेंगे क्या होगा 15 माइनस x आपका हो जाएगा। मतलब 15 को आपको दो पार्ट में बांटना था, हमने पहला पार्ट क्या माना था, ये था क्या, ये था आपका पहला हमने क्या माना था x, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 15 माइनस x, ठीक है। बोला क्या गया है, बोला ये गया है, बताया गया है क्वेश्चन में, such that the sum of their reciprocal is 3/10, मतलब इसका reciprocal 1/x plus इसका reciprocal कितना 3/10, सॉल्व हो जाएगा, ये तो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, सिक्स नंबर आसान था। आइए सेवन नंबर में बात करते हैं, सेवन नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया गया, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208, दो नंबर है दोनों का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 208, यानी कि 208 दोनों के स्क्वायर का सम, ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बोला गया है सेकंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ये पहले नंबर का स्क्वायर, ये क्या दूसरे नंबर का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम दिया गया आपको कितना 208, गुड। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, मतलब बोला गया यह क्वेश्चन, अब यहाँ पे पकड़ो क्वेश्चन, ये बोला गया लार्ज नंबर का जो स्क्वायर है वो 18 टाइम्स है क्या स्मॉलर नंबर के बराबर, ध्यान दो क्वेश्चन में ये, लार्ज नंबर का जो स्क्वायर है या स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर, काम क्या करना बच्चों, काम ये करना है, इसको मानते हैं किसको स्मॉलर नंबर को, आप स्मॉलर नंबर को क्या मान लो एक्स, ठीक है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या लार्ज नंबर का, या यहां आप ऐसे लिख सकते हो क्या स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू स्मॉल नंबर यानी कि 18x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हमको एक चीज ये बता दो, ये तो स्क्वायर था लार्ज नंबर का, आपको अगर नंबर निकालना पड़े तो, लार्ज नंबर निकालना पड़े तो ये स्क्वायर है, ये इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ये तो पता है ना कि भैया स्क्वायर मान लो जैसे 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ये तो बेसिक है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पे आओ, पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर क्या था स्मॉल नंबर, पहला नंबर यानी कि स्मॉल नंबर, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर यानी कि लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर का स्क्वायर आपको यहां दिया हुआ है कितना 18x, और ये दोनों कितना दिया हुआ 208। अब इसको अगर हम इधर करें x स्क्वायर प्लस
18x माइनस 208 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आपका आसान है, ये मेरे ख्याल से समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, अगले नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, आगे का आप लोग बना लेना, हमको बताने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके इन्फॉर्म कर देना। चलिए बच्चों अगला देखिए, एक नंबर में क्या बोला गया, एक नंबर की कंसेप्ट में क्या बोला गया, ठीक है, एक नंबर में क्या बताया गया, देखिए एक नंबर में आपको बोला गया द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिग्यूटिव इवेन नंबर। अब इवेन नंबर क्या होता है, कंजिग्यूटिव इवेन या ऑड नंबर, देखो इवेन नंबर का सिंपल सा मतलब होता है वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, और आपको पता है इवेन नंबर हर दो दो नंबर के बाद में आता है, मतलब एक छोड़ के एक आता है। अगर देखेंगे पहला टू तो दूसरा कितना फोर, तीसरा कितना सिक्स, कितना एट, इसमें आप टू प्लस करोगे, इसमें टू प्लस करोगे, इसमें टू प्लस करोगे, इसमें टू प्लस करेंगे तो टेन, ऐसा ही ना। अच्छा कंजिग्यूटिव नेचुरल नंबर में हमने क्या बताया था, एक के बाद एक, जस्ट पहला अगर एक्स तो दूसरा क्या एक्स प्लस वन, यहां पे क्या पहला अगर एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर एक्स, तो सेकंड नंबर कैसे होगा, सेकंड अगर हम बात करें सेकंड इवन नंबर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना टू। स्टेटमेंट बनाना कि लेट क्या फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स, तो सेकंड यहां पे क्या हो जाएगा इवन नंबर बी एक्स प्लस टू। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि ये स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ, इन दोनों का सम आपको दिया गया कितना 52। ठीक है बच्चों सॉल्व करो, कर सकते हो एक्स स्क्वायर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए की जगह पे एक्स इंटू बी की जगह पे टू इक्वल टू कितना 52। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू का स्क्वायर कितना फोर, टू टू जाए कितना 4x, इसको इधर हम कर दें तो कितना हो जाएगा 52। नाउ हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर इसको बीच में रखते हैं कितना 4x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 48 इक्वल टू 0, हम दोनों में 2 कॉमन ले लें अपने आसानी के लिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा कितना 12 इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई परेशानी, गलती किए हैं कुछ, गलती किए हैं, हाँ सर गलती किए हैं, यहाँ होगा आपका कितना 24, ये उधर चला गया 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू कितना 0। अब तो ये आप तोड़ सकते हो, ये टूट जाएगा किसमें 6 और 4 में, 6 4 जो 24 होता है, 6 में 4 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है ये तो आपको बताने के, मतलब हमको बताने की जरूरत नहीं, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस कितना 4x माइनस 24 इक्वल टू कितना 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, लेकिन आप आगे बना लेना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सेम, लेकिन वहाँ पे इवन की जगह पे क्या बोला गया ऑड नंबर बोला गया, मतलब नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आए आप दोबारा इसी वीडियो को देख लो, फिर समझ में नहीं आए वह फिर धीरे करके देख लो, और समझ में नहीं आए तो और धीरे करके देख लो, एकदम समझ में नहीं आए तो फिर हमसे मिल लो, समझे, ठीक है बच्चों। आगे देखो हम क्या बता रहे हैं, अब थोड़ा सा 10 नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। 10 नंबर में क्या बताया गया, 10 नंबर में बताया गया द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे हो, सिंपल से टर्म है। जो नंबर ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नंबर नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर जितना होगा, ध्यान दो न्यूमरेटर जितना होगा डिनोमिनेटर इसके ट्वाइस से एक ज्यादा, वन मोर देन यानी कि एक ज्यादा किससे, इसके ट्वाइस से, मतलब अगर आप न्यूमरेटर को एक्स मान रहे थे तो जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो इसके ट्वाइस से, यानी कि कितना 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया। अब बोला क्या गया है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ये बाय ये x बाय 2x प्लस 1, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
अब इसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन में है, ये फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उल्टा, यानी कि 2x प्लस 1 बाई एक्स, इन दोनों का जो सम है, यानी कि x ये 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये कितना, ये कितना बताया गया, ये आपको बताया गया 2.9, कितना 2.9 आपको कितना बताया गया बच्चों, 2.9 बताया गया है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, हम कर देते हैं आपके समझने के लिए, बोलोगे सर कितना टफ है, नहीं टफ है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि ये x है तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये इसको बेचारा खल्लास, ये बचा, इससे जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसको लेके खल्लास, बचा क्या, क्या बचा, ये बचा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार ये था, एक बार ये था। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, पॉइंट का, कि ये आपका काम आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों। आगे का कैलकुलेशन आप बेसिक है कर सकते हो, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 2x, इंटू बी की जगह पे क्या है 1 बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29 बाय क्या 10। हम आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 4x बाई, यहाँ पे आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना 29 बाई 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना 29 बाई 10। अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है, कैलकुलेशन तब तक करो जब तक होता चला जाए। अब इसको पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका आएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 29 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, ये यहाँ पे 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 दुनी 18 2 दुनी 4 1 5 x स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 29x, ठीक है बच्चों। ये सबको उधर भेजो, सबको उधर भेजे तो ये 58x स्क्वायर है, ये इधर 50 है, इधर आ गया माइनस 50x स्क्वायर, ठीक है। इधर आपका आया 29x, ये इधर 14x था तो ये यहाँ पे चला आया माइनस, और ये इधर माइनस में, इसमें हम कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन माइनस करेंगे x स्क्वायर, इन दोनों में प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पे आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा 10 में 9 गया 1 बचा, ये कैरी 1, ये माइनस में बचेगा ये बड़ा था माइनस कितना। अब आपके पास आया कितना, आपके पास आया देखो बच्चों ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 80 होता है, 80। अब 80 कैसे आएगा, कैसे 80 तोड़ोगे, तो आप तोड़ सकते हो 80 को ऐसे, हाँ माइनस 80, ये माइनस 16x प्लस 5x माइनस 10, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में 5 जाएगा 11 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 80, क्योंकि ये आप सीख चुके हो, ये हमको सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो। अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 8x, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2, इन दोनों में कॉमन कितना x, यहाँ पे कितना 2, पहला केस। अब इन दोनों में कॉमन हम लेंगे, यहाँ पे बचेगा कितना 8x प्लस कितना 5, ठीक है। पहले केस में x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 2, दूसरे केस में 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 8x ये था प्लस में है माइनस में, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5 बाय 8। तो बच्चों आप देख सकते हो हमारा आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला नहीं है ना बच्चा, पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, इसलिए नेगेटिव का टर्म नहीं है, आपको ये रखना है, ये न्यूमरेटर में आप रख लोगे, अगर ये न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में वैल्यू रख के निकाल लोगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा और ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ कीजिए। यहाँ पे बोला गया 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 1:2, ये है 1:3, ये है 1:4, इस रेशियो में 3 नंबर वो इस रेशियो में, ठीक है।
अब बोला क्या गया है, यहाँ पे बताया गया है फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। पहले तो ये जानो ये सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल रेशियो में निकालते हैं। सिंपल रेशियो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम करना, तीनों का एलसीएम कितना आता है, तीनों का एलसीएम आपका आएगा 12, और इस तीनों को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। हमने क्या बताया, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 ये आपका आ गया 12, और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1/2, ये 1/3, ये 1/4, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, तो ये कैंसिल होगा 6 बार में, ठीक है, ये कैंसिल होगा 3, 4 बार में, ये कैंसिल होगा 3 बार में, ये 3 आपका नंबर ये हुआ, ठीक है। अब नंबर, ये तो रेशियो है, नंबर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे 6x, नंबर क्या मानेंगे 4x, नंबर क्या मानेंगे 3x, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी। अब बोला ये गया है, बताया ये गया है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि तीनों का जो स्क्वायर है वो कितना है, तीनों का स्क्वायर आपको दिया गया कितना 244, इट मींस 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर कितना 244। सॉल्व कर लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, x स्क्वायर प्लस ये 9, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 244। अब अगर हम यहाँ पे बेसिक सा कैलकुलेशन करें तो क्या मिलता है, 6, 6, 12, 9, 21, 2, 3, 4, 2, 6, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 244। ये इसको 4 टाइम में, x स्क्वायर इक्वल टू है 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी कि प्लस माइनस आपको 2, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू क्या रखना है 2, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बारे में बताया गया था। अब जो नंबर माने थे वहां पे x का वैल्यू पुट कर लो, नंबर निकाल लो आपको जो रेशियो मिला था, ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान था, इसमें भी ज्यादा माथा पट्टी करने की जरूरत नहीं, माथा दर्द नहीं है, मैथ मैथ जो है वो माथा दर्द नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या होना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, इसी